अखिलेश पर किसका दबाव, जयंत का राहुल से लगाव क्यों, क्या कांग्रेस की तरफ देख रहा है मुसलमान, क्या फिर होंगे राहुल अखिलेश एक साथ। अखिलेश यादव दबाव में है, दबाव है कांग्रेस के साथ मिलकर 2024 के चुनावी समर में उतरने का। वही कांग्रेस जिसे अमेठी और रायबरेली तक में कोई रियायत न देने का ऐलान समाजवादी पार्टी मुखिया पहले ही कर चुके हैं, मगर अब टीपू पर दबाव है कि वो एक बार फिर राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव मैदान में ताल ठोकें। यह दबाव डालने वाला कोई और नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी में सपा की अहम सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक जयंत चौधरी का मानना है कि कांग्रेस को साथ लिए बिना बीजेपी विरोधी कोई गठबंधन कामयाब हो ही नहीं सकता। जयंत की इस सोच के पीछे वजह है मुस्लिम वोट बैंक। सूत्रों की माने तो रालोद को लगता है कि यूपी का मुसलमान अब की बार कांग्रेस की तरफ देख रहा है। क्यों अहम है मुस्लिम वोट? उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से ही मुस्लिम वोट बैंक को सियासी दल काफी अहम मानते रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले तक इस वोट बैंक को अपनी तरफ कर लेने का मतलब था चुनावों में कामयाबी। इसके पीछे संख्या बल का खेल काफी अहम है। यूपी में वोटों का बही खाता। उत्तर प्रदेश में कुल 14,43,16,893 मतदाता हैं, जिनमें अति पिछड़ा मतदाता करीब 20% और सबसे ज्यादा है। मुसलमानों का वोट परसेंट दूसरे नंबर पर आता है जो कि 19.3% है। तीसरे नंबर पर जाटों वोट है जो कि 13% है। 12% अन्य पिछड़ा और 11% ब्राह्मण मतदाता उत्तर प्रदेश में है। यादव वोट परसेंट 9 का है जबकि जाटों छोड़कर अन्य SC वोट करीब 8% हैं और ब्राह्मण को हटाकर बाकी के सवर्ण वोट 7.7%। सपा मानती है कि काफी समय से यूपी का मुसलमान उसके साथ है, जो कुछ हद तक सही भी है, मगर जयंत चौधरी कहते हैं कि कम से कम वेस्ट यूपी में मुस्लिम वोटर अब दोबारा कांग्रेस की तरफ देख रहा है। वेस्ट यूपी का सियासी गणित। रालोद के यूपी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय खुलेआम कह चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी का मुसलमान कांग्रेस की ओर देख रहा है, इसीलिए कांग्रेस को विपक्ष के मोर्चे में होना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ पश्चिमी यूपी में मुस्लिम, जाट और गुर्जर का महागठबंधन बन रहा है। जाहिर सी बात है RLD की इस राय के पीछे इलाके की सियासी गणित भी जिम्मेदार है। राष्ट्रीय लोकदल मानती है कि वेस्ट यूपी की कम से कम 22 लोकसभा सीटों पर मुसलमानों का वोट प्रतिशत 38-51% तक का है, जबकि उन्हीं सीटों पर जाट वोटर 6-12% तक हैं। इस आधार पर जयंत चौधरी अखिलेश पर दबाव डाल रहे हैं कि अगर इस वोट बैंक में यादव वोटर भी मिल गया तो सपा RLD कांग्रेस गठबंधन को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अखिलेश की मुश्किल। उधर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की अपनी मुश्किलें हैं। MY फॉर्मूले के दम पर समाजवादी पार्टी यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने का दावा करती है। ऐसे में वो MY के M पर कांग्रेस का दावा भला कैसे स्वीकार कर लेंगे। दूसरी तरफ 2017 में कांग्रेस के साथ ने सपा का नुकसान ही किया था, लिहाजा पार्टी वही गलती दोहराना हरगिज नहीं चाहती। सपा की जिला इकाइयां भी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के खिलाफ हैं, क्योंकि जमीन पर सपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा काम किया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि रालोद के राय पर सपा क्या रुख अपनाती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।